हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से स्पोर्ट्स वर्ल्ड पंचकुला की तरफ से और साहिल सचिन व्लॉग हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से। दोस्तों, सबसे पहले हम दोनों भाई साहिल और सचिन आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, थैंक यू करते हैं। हमें हमारे न्यू यूट्यूब चैनल पे साहिल सचिन व्लॉग्स पे इतना प्यार देने के लिए, इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए, वी आर रियली थैंकफुल टू यू। एंड दोस्तों, बैकग्राउंड आप हमारे देख सकते हैं, कुछ सामान सजा है, बिल्कुल हम इसी के बारे में बात करेंगे। आज ही ये सामान आया था तो मैं एक्चुअली इनकी पिक्स लेना चाह रहा था, तो अचानक से मेरे याद ध्यान में आया कि क्यों ना अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ ये एक वीडियो बनाया जाए इसका और वीडियो शेयर किया जाए हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत कुछ नई चीजें ऐड अप हुई हैं। ग्रे निकल्स का ब्रांड आप देख रहे हो, बैट्स आपको हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं, हमने कुछ बैट्स शोकेस के लिए यहाँ लगाए भी हैं और कुछ बैट्स आप ये देख रहे हैं जो रैप अप है कार्ड बॉक्स में, ये भी सरप्राइज है एक आपके लिए। तो पहला सरप्राइज ये है जो हम बिल्कुल एंड में अनरैप करेंगे ताकि आपके लिए एक सरप्राइज बना रहे और आप हमारे साथ बने रहो एंड तक। और आप लोगों ने वर्ल्ड कप का टेस्ट का फाइनल देखा होगा और न्यूजीलैंड वर बेटर ऑन दैट डे और वो वेल डिजर्विंग विनर्स रहे वो लोग। और अगर आपने उनके कैप्टन को देखा हो उस दिन, उन्होंने सेम ये हेलमेट डाला हुआ, उन्होंने केन विलियमसन ये हेलमेट यूज कर रहे थे। अगर हम मैंने काफी हेलमेट हम दोनों भाइयों ने देखते हैं क्योंकि शॉप से ला रहे तो देखते ही हैं, बट अगर आप नजदीक आ सके हम आते हैं आपके पास। अगर आप ध्यान से देखें, सबसे पहले लेट अस वॉच द ब्यूटी ऑफ द हेलमेट अगेन, दैट कॉम्बिनेशन ऑफ रेड एंड ब्लू ऑफ ग्रे निकल्स, रॉयल रेड कलर, ब्लड रेड कलर। साहिल भाई, मुझे ये रेड कलर का जो इनका लोगो है ना, स्पेशली ये देखिए, हाँ जी, बहुत भाता है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है मुझे ये लोगो। और भाई, दिस सिग्निफाइज अग्नि एंड पीस, यस, दे हैव फायर इन देम एंड येट दे आर पीसफुली ग्रोइंग, और है ना, ग्रोथ बैलेंस बना के शांतिपूर्वक ग्रोथ करनी है, कहने का मतलब ये है। सो इफ यू सी स्मॉल स्मॉल थिंग्स, ये जो इन्होंने यहाँ पे पैकिंग दी है, देखो इसके लिए, इसको भी पील बैक, रिमूव बिफोर यूज ग्रे निकल्स, इफ वी वॉच दिस थिंग, देन इफ वी वॉच की ये आपके हेड पे छूना है तो इसको एक सॉफ्ट पैकिंग, देन आपके यहाँ पे इन्होंने एक, अगर आप यहाँ से देख पाए तो वेंटिलेशन के लिए एक, दोस्तों ये सारी तरफ जाली है साहिल भाई। हाँ भाई, मैं वो होल के बाद जाली बताना चाह रहा था, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वो होल है और उसके बाद एक ये एक नेट का कपड़ा भी दिया है ताकि कुशन के साथ साथ आपके हेड को एक हवा मिलती रहे और आपके पसीना तो आए बट उस सोक भी हो अंदर अंदर साथ में। और उस ये तो रहा कंफर्ट जो इन्होंने आपका देखा है। उसके बाद इफ वी स्पीक अबाउट द सेफ्टी मेजर्स, इफ आई चेक द ग्रिल, सो सॉलिड। अगर मैंने, आपने देखा होगा, मैंने पिछली बार एक कौन सा हेलमेट करा ऐसे करा तो इट वॉज प्रेसिंग, मैं इसको प्रेस नहीं कर रहा, आई एम 108 और मैं अगर इसको पूरा जोर लगा रहा हूँ, पूरी तो ताकत लगा दी है, तो मैं 108 किलो के साहिल भाई तो ये आज आपको दोस्तों पता लग गया आपको कोच साहब का वेट कितना है। तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि मुझे रिड्यूस करना चाहिए तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी। हाँ, जरूर कमेंट करें दोस्तों इस बात पे। सो इफ कमिंग बैक टू द सीरियस टॉपिक, अगर हम सेफ्टी की बात करें वन, और अगर अगर आप भाई ऑस्ट्रेलियन कैप्स देखेंगे या इंग्लिश कल्चर देखेंगे, उनकी बैगी कैप्स होती है तो उनका ये शेप होता है, तो ये डिफरेंट है, एक इंग्लिश शेप है ये हेलमेट को दी हुई है इन्होंने, इंग्लिश शेप है ये। एंड इफ आई अगेन स्पीक अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ द स्कल, टू गुड मटेरियल। दोस्तों भाई, एक बड़ी अच्छी बात आपको बताता हूँ दोस्तों, अभी जब ये वीडियो का हमने प्लान किया कि चलो बना लेते हैं, पहली बात साहिल भाई नहीं थे यहाँ पे, तो साहिल भाई अभी कोचिंग फिनिश करके आए, तो मैंने कहा चलो साहिल भाई आ गए, वीडियो बना लेते हैं। मैंने साहिल भाई को बोला भाई चलो वीडियो बनाते हैं, भाई कहते हैं यार आपने लगा तो रखा है सामान, इसकी फोटो खींचो और डाल दो, इसमें तो है ही नहीं कुछ बोलने के लिए, क्या बोलेंगे इसमें। और अब देखो आप, समुन्दर में से ज्ञान निकल के बाहर आ रहा है, उन्होंने एक हेलमेट पे ही आई थिंक 3 या 4 मिनट यूज कर लिए होंगे। और मैं ये सोच रहा था, हर बार ये सोचता हूँ कि वीडियो छोटी बनाऊंगा या 5-6 मिनट में खत्म करूंगा, तो आप ये देखो साहिल भाई ने
हेलमेट में ही 3 से 4 मिनट या 5 मिनट वो ले चुके हैं ऑलरेडी। सचिन भाई एक और चीज देखो आप, वाओ ब्यूटीफुल, ये एक आगे आइए आप पीछे, ये एक पॉइंट है फोरहेड पे जो बहुत पसीना इसमें आता है, तो हर कंपनी इसको डिटैचेबल मोड देती है ताकि हम इसको डिटैच करें और पसीने को सोखे, एयर कराएं और दौरा लगाएं। बट सी द ब्यूटी ऑफ ग्रेनिकल्स, इट इज गिवन लेदर कवरिंग हेयर बाई सी एंड यू नो एटॉमिक हेलमेट मीडियम साइज, द नेम ऑफ द हेलमेट मॉडल, ब्यूटी जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूटी, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, सो इफ यू वॉन्ट एनीथिंग फैशनेबल, if you want anything you know royal, if you want anything looking great on you yet with all the safety measures, here is the Grenicles, a beautiful beautiful helmet also used by the international player and the captain of World Cup test winners New Zealand team Kane Williams. Next bhai, aur dosto main aapko ye batana chahunga quickly kyunki video lambi ho jayegi, warna isme do models abhi hamare paas available hain, agar main iski price ki baat karta hu तो ये 2500 रुपीज एमआरपी में है एंड दिस वन इज 3100 रुपीज, सॉरी ये 2600 है, 2599 एंड दिस इज 3199 या 3099। ऑफ कोर्स इसमें ऐसे मॉडल्स आते हैं जो इंग्लिश प्लेयर्स या फिर इंटरनेशनल प्लेयर्स यूज करते हैं, दे आर मच हायर, बट कैसा वो शेप यूज कर रहे हैं मैं तो हैरान हूँ, इज दिस फॉर 3000 बक्स? यस 2600 बक्स ओनली। और दोस्तों क्विकली आगे बढ़ते हैं, देखिए ये मॉडल ग्रेनिकल के ग्लव्स आप पहले भी देख चुके हैं, थ्री कट ग्लव्स हैं आप देख सकते हैं 1 2 3 4, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हैं, लेदर पाम के साथ हैं, अगर आप थंब भी देखेंगे थंब भी थ्री कट में है और इसकी एमआरपी है ओनली 4000 रुपीज। यस दोस्तों सिर्फ 4000 रुपए एमआरपी है, अगर मैं इसको किसी और कंपनी के साथ कंपेयर करूंगा तो ये बड़े आराम से 4500-5000 के आसपास की रेंज के ग्लव्स होंगे। सो अगेन इट इज अ वेरी गुड कंफर्टेबल ग्लव्स। देन अगेन इफ वी गो फॉर अ पार्टी सचिन भाई, यस एंड आई ऑफन सी यू, मैं बहुत बार देखता हूँ सचिन भाई को वेयरिंग 3-पीस सूट, राइट, आप सूट डालते हैं उसके मैचिंग आप शर्ट डालते हो, उसके मैचिंग टाई डालते हो, इट टेक्स लॉट ऑफ मनी एंड सेंस ऑफ फैशन टू कैरी इट। See this thing now. Yes. True. This is something like 3-piece suit, yeah, right? With a combination of red, white and black. Yeah. See, मैं क्या बताना चाह रहा था इससे कि जब हम पार्टी में जाते हैं वी प्रेजेंट अवर सेल्फ विद द बेस्ट ऑफ बेस्ट एंड हेयर वेन यू गो फॉर योर बेस्ट बेस्ट थिंग दैट इज बैटिंग इन अ मैच, ग्रेनिकल्स इज गिविंग यू बेस्ट ऑफ बेस्ट। सी स्मॉल स्मॉल थिंग्स टेकन केयर ऑफ, अंगूठे के पास ये नेट देना और यहाँ पे इसको, अभी सचिन भाई ने जैसे बोला दिस इज नॉट इजी, यहाँ से इसको 2 कट्स देना और यहाँ से 3 कट्स देना, इट टेक्स ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ टाइम एंड लेबर। और गजेंद्र आप माइक्रोफोन पे तो नहीं हो ना बच्चे, हाथ तो नहीं है, ठीक है। सो अगेन सचिन भाई वन एक और मैं बहुत लाइक करता हूँ ग्रेनिकल्स का, सी दिस चेक, यस ब्यूटीफुल, आज तक फैशन में चेक कभी आउट नहीं हुआ, राइट, सी दिस इज द ब्यूटी, सो मच कंफर्टेबल भाई, प्राइस क्या है इसका मैंने टैग देखा 3500 ओनली, व्हाट आर यू सेइंग, ओनली 3500 भाई ले लो। और दोस्तों ये देखिए ये मेरे हाथ में है विकेट कीपिंग ग्लव्स, आप देख सकते हैं मॉडल नेम है GN Test GN8, इसकी प्राइसिंग मैं अगर आपको क्विकली बता पाऊं तो प्रोबेबली ये है आई थिंक 3300 की रेंज में ये है इसका एमआरपी। और इसका बेस्ट पार्ट मैं बताता हूँ दोस्तों, मैंने क्यों डाला, पहना क्यों, ये मैंने इसलिए पहना क्योंकि मैं इसकी फील लेना चाह रहा था कि ये कितना सॉफ्ट लेदर है और आप देख सकते हैं कितना फ्लेक्सिबल है, एमआरपी बिल 3300 वन मोर, और इसकी 2500 के। सी भाई बीइंग ए विकेट कीपर बैट्समैन दे हैव गिवन अ, मैं प्रोफेशनली जब मैं खेलता था आई वॉज अ विकेट कीपर बैट्समैन, सचिन भाई आप इसको पकड़ेंगे अगर आप ये देखें, इन्होंने इसमें एडिशनल ये अगर देखोगे ये क्यों किया है, एक कीपर के लिए ये कप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप देखोगे जब कीपिंग एक करता है बहुत टाइम कीपिंग पे इस कप में बॉल फंसता है, अगर आप देखो कीपर यहाँ लेके घूम रहा है, सो दिस कप हैज टू बी ऑफ वेरी एक्यूरेट साइज,
और ताकि इसमें अगर कभी बॉल आए तो यहाँ पे फंसे और येट आपके मुंह पे ना लगे, अगर कहीं कच्चा होगा तो मुंह पे लग सकता है। सो ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन एंड ब्यूटीफुल ग्रिप, और सबसे बड़ी बात है जोर नहीं लग रहा इसको, अगर मुझे कीपर की हमेशा ये पॉस्चर रहता है तो जोर नहीं लग रहा बिल्कुल, बहुत ही अच्छा इसका ग्रिप, बहुत अच्छा। और दोस्तों अगर मैं एमआरपी की बात करता हूं तो ये 3300 की रेंज में है, और ये वाला जो ग्लव है एलीट GN6 इज 2400 रुपीज एमआरपी। सो इतना बेहतरीन टिकाऊदार चीज जो कि एक क्लास मेंटेन करता है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रे निकल्स कर सकता है। दोस्तों अगला जो सेकंड लास्ट प्रोडक्ट है, लास्ट इज दिस, जो कि बेस्ट है बेस्ट। देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अगेन आपने एक सचिन भाई ने मुझे बोला था कि मैं उनको बोला था बोलने को कुछ नहीं है, बट ये चीजें ऐसी आ रही है अंदर से निकल रहा है। यू मस्ट हैव हर्ड सचिन भाई इन ऑस्कर्स, फिल्म फेयर अवार्ड्स, एवरीथिंग, रेड कार्पेट वॉक। यस, जस्ट सी दी अगेन रॉयल्टी भाई, रॉयल्टी। अगर आप अंदर देखेंगे रॉयल रेड इनसाइड, फीलिंग ऑफ यू नो लाइक आप रेड कार्पेट पे चल रहे हो। ब्यूटीफुल शूज, सी द डिजाइन दोस्तों, ये देखिए आप सारा बिल्कुल ये लेदर कवर्ड है, बिल्कुल भी कोई इसमें नेट नहीं है, बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल है। ये देखिए आप अगर हम इसको दबा रहे हैं तो फ्लेक्सिबल भी अच्छा है ये, मतलब मोर ओवर आपका सारा बॉडी वेट इसके ऊपर आना है, इसके ऊपर यू नीड टू बी, द शू हैज टू बी वेरी कंफर्टेबल, बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए। एट द सेम टाइम इसकी ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो अगर आप देखेंगे कितना ब्यूटीफुली इसको बनाया है इन्होंने शूज को बैटिंग के, दीज आर बेसिकली यू नो रनिंग स्टड्स, आप बैटिंग के लिए अगर आप हाफ स्पाइक्स नहीं यूज कर रहे हैं तो मोर ओवर अकेडमी पर्पज के लिए आप इसको बैटिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। और बॉल्स ऑफ द फीट में इन्होंने ब्यूटीफुल ये अलग तरीके का थोड़ा सा ये दिया है, ताकि अगर स्पिन के टाइम में कभी आपको पिवट भी करना है तो इट इज वेरी गुड, इट विल बी हेल्पफुल जब आप स्पिन के टाइम में अपने पैर को रोटेट करते हैं, बॉडी को रोटेट करने के लिए। तो दोस्तों ये नॉलेज की बात हो गई, जो बॉलर्स इस वीडियो को देख रहे होंगे या देखेंगे उनके लिए ये एक कोचिंग टिप भी आ गया इस वीडियो में, जो कि हम हर वीडियो में कोशिश करते हैं ऐड करने की, कि जो भी अगर स्पिन बॉलर है और जब वो स्पिन करते हुए उसका पैर ट्विस्ट होता है तो उसके लिए एक यहाँ पे इन्होंने एक्स्ट्रा सॉर्ट ऑफ स्टड आप कह सकते हो इन्होंने दिया है, ताकि इजीली आपका पैर ट्विस्ट हो सके। दिस वी बोथ ब्रदर्स आर इमेजिनिंग, यस, हमारी इस बारे में बात नहीं हुई उनसे, क्योंकि आप रिस्ट से बहुत देर तक स्पिन नहीं कर सकते, यू नीड टू रोटेट योर बॉडी। सो जब एक बॉलर अपना एक्शन कंप्लीट ऑफ स्पिनर करता है तो अपने पैर को घुमाता है ताकि उसकी पूरी बॉडी घूम के ये फिनिशिंग आ सके, राइट। तो बॉडी आपके रिस्ट पोजीशन के साथ, फिंगर के साथ बॉडी भी जब यूज होती है तो स्पिन भी ज्यादा मिलता है स्पीड के साथ। और दिस वाज अगेन बातों में नॉलेज निकल आई है। कैसे चीन भाई आपके देखो पास? दोस्तों आपको नजर आ रहा होगा कि ये बैट्स कुछ कार्डबोर्ड गत्ते के कवर्स के अंदर ढके हुए हैं। चलिए इनको निकालते हैं बाहर, देखते हैं क्या है। साहिल भाई एक आप निकालो, एक मैं निकालता हूँ। नेचुरल सी बात है ये है तो बैट्स हैं, बट ये कैसे बैट्स हैं ये हम देखते हैं। दोस्तों ये देखिए इस पे लिखा हुआ है ये है टेनिस बैट, जो आजकल मोस्ट इन ट्रेंड है। ये देखिए आप, ये मोस्ट इन ट्रेंड बैट्स हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं ये टेनिस के बैट्स हैं, ग्रे निकल्स के बैट्स हैं। अगर मैं इनकी एमआरपी की बात करता हूँ तो 1800 रुपीज है, ओनली 1800 रुपीज हार्ड टेनिस बॉल से खेलने के लिए ये बैट्स हैं। दोस्तों वैसे तो आप सब नॉलेजेबल हो, आप सबको पता होगा कि ये क्यों निकालते हैं बाहर, ये ऐसा डिजाइन क्यों बना हुआ है, क्योंकि बैट का वेट रिड्यूस करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि ये बैट बहुत हल्का है, ये बैट मीडियम वेट में होगा, लेकिन इसका जो फेस है, या मैं मिडल की बात करूं, इस फेस की बात करूं तो अच्छा है, स्ट्रांग है। अगर आप आवाज सुन पा रहे हैं तो ये देखिए आप दोस्तों, कहीं से भी ये ठप ठप नहीं बोल रहा, हम बोलते हैं ठप ठप की आवाज आती है, बिल्कुल भी ये ठप ठप की आवाज नहीं कर रहा दोस्तों। मोरओवर जो टेनिस के बैट्स होते हैं वो साइज में एक नॉर्मल बैट से लंबे होते हैं। एग्जैक्टली ठीक है, हैंडल से वो शॉर्ट होते हैं। ये देखिए दोस्तों कितना फर्क है, ये फर्क होता है। और ये अगर आप देखेंगे, आके दिखाओ
ये चौड़ा भी ज्यादा है, ये विड्थ में भी ज्यादा है और लेंथ में भी ज्यादा है. सो अब इतनी वुड लग रही है और ये टेनिस प्लेयर अगर आप टेनिस में देखेंगे तो एरिया कम होता है, पिच का एरिया टेनिस का शॉर्ट होता है, एक पूरी पिच नहीं होती सचिन भाई, तो रिएक्शन टाइम कम मिलता है, तो इसको हल्का भी चाहिए उनको. तो दिस इज द साइंस यूज्ड टू रिड्यूस द वेट विद मतलब एक अच्छी सी डेकोरेशन के साथ भी. सचिन भाई इसकी फिनिशिंग का जरूर बताओ, हमने कितने देखे हैं बैट इसकी. हाँ एग्जैक्टली दोस्तों, मैं यही मैं इसमें दो चीजें मैंने और नोटिस करी इस बैट में. एक, लुक एट द ग्रेन्स इन अ टेनिस बैट. दोस्तों नीचे से ऊपर की तरफ देखिए आप, लुक एट द ग्रेन्स इन अ टेनिस बैट. और अब मैं पीछे से दिखाता हूँ बिल्कुल कितना फिनिशिंग कितनी प्यारी है इसमें दी हुई. अगर आप और बैट्स देखेंगे जो नॉन ब्रांडेड है उनमें बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं होती, बट यही एक फर्क है ब्रांड में और नॉन ब्रांडेड थिंग में. सो दोस्तों आई थिंक ये वीडियो शायद 15 मिनट के आसपास हो गई होगी, तो हम इसको सम अप करते हैं. दोस्तों हमने आपको दिखाया ग्रे निकल्स का लेदर गुड, जिसमें आपको हमने ग्लव्स दिखाए, कीपिंग ग्लव्स दिखाए, हेलमेट दिखाए हैं और शूज दिखाए हैं, और लास्ट में हमने आपको एक टेनिस बैट भी दिखाए हैं. एवरीथिंग इज इन स्टॉक. डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर्स दिए हुए हैं और दोस्तों आपने डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज के आईडीज दिए हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टाग्राम के हमारे अकाउंट को फॉलो करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब चैनल को साहिल सचिन व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशन आती रहे. दोस्तों कोशिश करते रहेंगे दोस्तों आपके लिए कुछ ना कुछ नया पेश करते रहें, चाहे वो कोचिंग से रिलेटेड हो चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो. और लास्ट में उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपने अपने घरों पे सेफ हैं, सुरक्षित हैं. तो आपको अगली वीडियो में मिलेंगे. टिल देन गुड बाय बाय.